अनुष्का यादव, रुख करेंगे खबरों को। प्रयागराज में बीजेपी की राजनीति में कुछ फेरबदल के संकेत। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी साइडलाइन, नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को बीजेपी ज्वाइन कराया गया। सपा प्रत्याशी रहे रईस चंद शुक्ला बीजेपी में शामिल, शुक्ला को केशव मौर्य ने प्रयागराज में ज्वाइन कराया। नंदी ने पूछा नहीं, कार्यक्रम में भी बुलाया नहीं। नंदी की मेयर पत्नी अभिलाषा का टिकट भी कट चुका है। नंदी के पास जो विभाग है उसमें कोई ज्यादा सुनवाई नहीं। प्रमुख सचिव को लिखा पत्र पिछले दिनों वायरल हुआ था। नंदी के वायरल पत्र संकेत थे कि उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं। नंदी के ऊपर अतीक के परिवार ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। प्रयागराज में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से भड़के नंदी, प्रेस नोट जारी करके कड़ा विरोध दर्ज कराया। शुक्ला की ज्वाइनिंग की निंदा अपने खिलाफ साजिश बताया। प्रेस नोट में नंदी के काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लेकर कई संकेत सामने आ रहे हैं। नंदी के ऊपर अतीक के परिवार में भी कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। संवाददाता धीरेन्द्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लेकर के बड़े संकेत सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा का भी टिकट कट चुका है। देखिए अंदर अंदर जो पार्टी के नेता हैं उनमें आपसी खींचतान जरूर चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से कल नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट में साफ साफ ये कहा है कि कुछ लोग लिमिटेड कंपनी की तरह इस पार्टी को चलाना चाहते हैं। जिस तरीके से सहित दक्षिणी के जो विरोधी रहे, सपा के जो प्रत्याशी रहे रईस चंद मिश्रा को कल भाजपा में ज्वाइन कराया गया है और उसमें न तो उनकी राय ली गई है न उनकी सहमति जताई गई है। ऐसे में जिस तरीके से कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने प्रेस नोट जारी किया है, निश्चित तौर पे लग रहा है कि जिस तरीके से पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही और बहुत कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि उनकी जो पत्नी है अभिलाषा नंदी गुप्ता, वो दो बार यहाँ पर मेयर रही और इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मेयर की प्रत्याशी बनना चाह रही थी, मेयर के पद पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, अब निश्चित तौर पे जो अंदर अंदर की नाराजगी थी वो बाहर निकल के आ रही है। जिस तरीके से कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया था और साथ ही सपा नेता जो रईस चंद शुक्ल है, जो शहर दक्षिणी के विधानसभा में प्रत्याशी रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी के सामने वो चुनाव लड़े थे, उनको कल पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। इसी को लेकर नंद गोपाल गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है जी। लेकिन देखिए धीरेन्द्र, नंद गोपाल जो है वो इन्वेस्टर समिट में भी अहम भूमिका में नजर आए थे, उन्होंने हर जगह दौरे किए थे, अहम भूमिका में नजर आए थे। साथ ही साथ देखिए जो अतीक अहमद का परिवार है उसने भी बड़ा आरोप इन पर लगाया था। देखिए लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद को शिकंजा कस रहा था और 24 फरवरी को जो उमेश पाल की हत्या होती है तो हत्या के बाद से ही उनकी जो बहन है आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब ने वो पत्रकारों के सामने आई थी और लगातार इस बात का आरोप लगा रही थी कि अतीक ने अशरफ को अतीक और अशरफ ने नंदी को 5 करोड़ रुपए दिया है, जिसको लेकर लगातार उनकी जो पत्नी साइस्ता परवीन है उनसे पैसे मांगने की बात कर रही थी और जो हत्या की साजिश है उसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी और अभिलाषा का भी नाम सामने आया था। इस तरीके से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, मुख्यमंत्री को साइस्ता परवीन ने एक पत्र लिखा था, उसमें भी नंद गोपाल गुप्ता और जो उनकी पत्नी है अभिलाषा नंदी गुप्ता, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि वो बसपा से चुनाव लड़ना चाहती थी और 5 करोड़ रुपए देने वाली बात भी उनकी बहन ने आरोप लगाया था। तो तमाम ऐसे आरोप जो नंदी परिवार है, चाहे वो नंद गोपाल गुप्ता नंदी रहे हों या उनकी पत्नी अभिलाषा नंदी गुप्ता रही हों, उनके ऊपर लगाया गया है। इसी बीच जब अभिलाषा नंदी गुप्ता का टिकट कट जाता है, फिर जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, सहित दक्षिणी के विधायक हैं, उनके सामने सपा से चुनाव लड़ने वाले रईस चंद शुक्ला को जब पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है, डिप्टी सीएम खुद उनको पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, इस बात को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कड़े शब्दों का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि कुछ लोग इस पार्टी को पूरी तरीके से लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, असंवैधानिक बताया है, तो ना तो हमको विश्वास में ली गया। तमाम तरह के इस तरह के आरोप नंद गोपाल गुप्ता ने उस प्रेस विज्ञप्ति में लगाते हुए और फिर नाराजगी व्यक्त किया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो नेताओं की अंतर प्रतिद्वंदिता थी वो अब खुलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से अब निकाय के चुनाव हैं उसका असर कहीं न कहीं प्रयागराज में भी देखने को मिलेगा। जी धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ।